हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता स्वागत करती हूँ आपका बारना कुकिंग हाउस में। फ्रेंड्स, आज हम तोरई की झटपट रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही चटपटी बनकर तैयार होती है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। 10 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने लिए तोरई। तोरई को मैंने छील कर उसके मैंने दो दो ढाई ढाई इंच के पीस जो है कट कर लिए और उसमें मैंने लगा लिए कट। ये देखिए, बीच में हमने कट लगा लिए, जैसे हम करेले में लगाते हैं, जब भिंडी में लगाते हैं, वैसे हमने इसमें भी कट लगा लिए है। अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। हम भर के बनाने वाले हैं मसाला, तो इसके लिए मैंने लिए एक बाउल। बाउल में मैं डालूँगी कुछ पिसे हुए मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ गर्म मसाला 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्ची डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा कर सकते हो आप। यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच लिया, हल्दी 1/2 छोटी चम्मच लिया मैंने, और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैं ले रही हूँ इसको चटपटा बनाने के लिए आमचूर। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो। ये सारे मसाले अभी हम करेंगे मिक्स। ये मसाले हमने मिक्स कर लेने और भर लेने हैं तोरे में। अगर थोड़े बहुत जो मसाला है जो बच जाता है, तो इसको आप आगे सब्जी में, किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हो। ये हमने हाथ से क्या करना है, जो हमने कट लगा रखे हैं सभी कट में हमने ये मसाला भर देना है। सभी में हमने, सारी तोरई में हमने ऐसे मसाले भर लेने हैं। ये देखिए, सारे भर लेते हैं। ये जी गाइस, सभी में हमने मसाले भर के तोरई हमने तैयार कर ली है। मसाला भर के अभी हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिया रील वाला धागा एक, और धागे से हम क्या करेंगे, सारी तोरई में हम धागा जो है लपेट देंगे। ये हम क्यों लपेट रहे हैं, क्योंकि जब हम इनको पकाएंगे तो ये खुल जाती है बहुत जल्दी, और जो मसाला वो निकल जाता है, मसाला ना निकले बाहर और ये खुले ना, इसलिए हम इसमें धागा लपेट रहे हैं। सभी में हमने धागा लपेट दिया है। अभी हमने इसको चढ़ाते हैं गैस पे। गैस पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। गर्म हो चुका तेल हमारा, और मीडियम फ्लेम पे हमने गैस ऑन रखी है नीचे। अभी हम क्या करेंगे, तो एक ही पीसेस में डाल देंगे। अभी हमने मीडियम गैस रखी है, पर जब हम इनको पकाएंगे थोड़ी देर, तो गैस फुल करके पकाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, इसको ढकना नहीं है, बस इसको खुले में पकाना है। इसके पास खड़े रहकर फुल फ्लेम पर इसको पकाते रहना और इसको फ्लिप करते रहना, और ज़्यादा भी इसको फ्लिप नहीं करना है, 1 से 2 बार फ्लिप करना है। जिस जो साइड कच्ची रहेगी वो उसको फ्लिप करते हुए हमने पकाना है। ये देखिए, हमने फ्लिप करते हुए इनको पका लिया। 1 बैच हमारा बनकर तैयार हो गया। अभी हम दूसरा बैच भी ऐसे ही बना कर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये तोरई की रेसिपी। ये देखिए, दूसरा बैच भी हमारा तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके साथ जो बेल ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करना है। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।